Make no compromise in your child's education. Join the number one school in Ajmer, Delhi World Public School. Admission open, pre-nursery to class 9. देश में कोविड-19 की सेकंड लहर के रूप में इस महामारी ने पुनः आक्रमण कर दिया है और ये हमारी लापरवाही का ही नतीजा है कि लगातार एक्टिव केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए और पुनः एक एसएमएस सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, इन तीन बिंदुओं का पालन करने के लिए एक एसएमएस हम देने का प्रयास कर रहे हैं, एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि आम नागरिक इस बीमारी को गंभीरता से ले और इन तीन चीज़ों का पालन करते हुए अगर वो रहेंगे तो इस बीमारी से काफ़ी हद तक बचे रहेंगे। ये संदेश देने के लिए आज अजमेर जिला पुलिस ने माननीय IGP साहब, कलेक्टर साहब के नेतृत्व में हम सब ने ये एक जागरूकता रैली और एक ट्रैकिंग तारागढ़ तक पहुँचने के लिए ये कार्यक्रम आज हम कर रहे हैं, जिसमें लोगों को संदेश देंगे कि आम नागरिक इस बीमारी के प्रति जागरूक हों, बाहर निकले हमेशा मास्क पहन के निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और एक छोटा सा सैनिटाइजर अपने पास रखें ताकि बार बार अपने हाथ सैनिटाइज करते रहें। इसके साथ ही दूसरा संदेश यह है कि इस बीमारी में अपने आप को फिट रखना भी आवश्यक है, शारीरिक श्रम करना या शारीरिक एक्सरसाइज करना भी आवश्यक है। यही संदेश देने के लिए हमने ये पैदल ट्रैकिंग यहाँ से करीब 4 किलोमीटर जो तारागढ़ है वहाँ पहाड़ी पर चढ़ाई के पूरी हमारी पुलिस की टीम चढ़ के और लोगों को ये संदेश देने का प्रयास कर रही है। मुख्य रूप से क्षेत्र में कुछ एक एरिया ऐसे होता है वहाँ पे पुलिस अमूमन नहीं जाती है, गश्त नहीं कर पाती, एरिया की समझ कम है, ऐसा एरिया देखने के लिए और पुलिसकर्मियों में शारीरिक दक्षता बढ़ाने के लिए और बेहतर फिटनेस बेहतर करने के हिसाब से हमने कोशिश करी। साथ साथ कोरोना के टाइम में भी फिजिकल फिटनेस को बेहतर रखना बहुत ज़रूरी है।